डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे कन्फॉर्मेशंस ऑफ साइक्लोहेक्सेन। इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कन्फॉर्मेशन ऑफ इथेन एंड ब्यूटेन। अब ये कन्फॉर्मेशंस ऑफ साइक्लोहेक्सेन एक्सप्लेन करने से पहले या समझने से पहले हम एक थ्योरी देख लेते हैं यहाँ पर, जिसे साइक्लोएल्केन्स जो होते हैं, साइक्लोएल्केन्स की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करने के लिए एक थ्योरी आई थी जिसे हम कहते हैं बेयर स्ट्रेन थ्योरी। अब ये बेयर स्ट्रेन थ्योरी थी क्या? बेयर साइंटिस्ट का नाम है। अब साइक्लोएल्केन्स क्या होते हैं? जैसे साइक्लोप्रोपेन अगर मैं बनाऊं, ये साइक्लोप्रोपेन हुआ, ये साइक्लोब्यूटेन हुआ, ये साइक्लोपेंटेन हुआ, फिर हम ऐसे ही साइक्लोहेक्सेन बना सकते हैं, फिर ऐसे ही साइक्लोहेप्टेन, साइक्लोऑक्टेन, इस तरह से हम बना सकते हैं। तो अब ये बात हुई थी कि जो साइक्लोप्रोपेन है, बेयर ने क्या किया, इनकी स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करने के लिए जो थ्योरी दी उसी को हमने बोला बेयर स्ट्रेन थ्योरी। अब वो थ्योरी क्या थी? बेयर के अकॉर्डिंग, जैसे ये साइक्लोप्रोपेन है, ये साइक्लोप्रोपेन में कितने कार्बन होते हैं? 3 कार्बन। तो बेयर ने कहा जब ये नॉर्मल जो हम प्रोपेन बनाए, जैसे सिंगल स्ट्रक्चर जैसे हम बनाते हैं, जो स्ट्रेट लाइन चेन, जो नॉर्मल प्रोपेन होती है, तो नॉर्मल प्रोपेन में जो कार्बन का एंगल होगा वो टेट्राहेड्रल एंगल होता है, जिसको हम बोलते हैं, जो कितना होता है, 109.5 डिग्री। अब अगर ये नॉर्मल एल्केन से जब ये साइक्लो नॉर्मल प्रोपेन से जब ये साइक्लोप्रोपेन में चेंज होगी तो क्या हो जाएगा, ये और ये कार्बन के बीच में बॉन्ड बन जाएगा। तो हम इसको इस तरह से दिखा सकते हैं, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, और हर कार्बन से 2 हाइड्रोजन जो है वो अटैच्ड हैं। और अब इस कार्बन यहाँ पर जो एंगल है, जो ये वाला जो एंगल है वो हो जाएगा यहाँ 60 डिग्री, यहाँ पर भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री। ठीक, अब कार्बन का टेट्राहेड्रल एंगल जो होता है वो होता है 109.5 डिग्री। कार्बन टेट्राहेड्रल एंगल मतलब कार्बन जब भी 4 बॉन्ड बनाएगा तो हमेशा 109.5 डिग्री एंगल वहाँ पर होगा। कार्बन के यहाँ पर भी 4 ही बॉन्ड है, हर कार्बन जो है 4 बॉन्ड बना रहा है, 2 तो हाइड्रोजन के साथ बना रहा है और 2 एक इस कार्बन के साथ और 1 इस कार्बन के साथ, तो कुल मिलाकर हर कार्बन जो है वो 4 बॉन्ड बना रहा है। तो एंगल होना चाहिए था 109.5 डिग्री, लेकिन एंगल कितना बन के आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है 60 डिग्री। तो डिफरेंस अगर हम देखें 109.5 डिग्री में से अगर हम 60 डिग्री माइनस करें तो ये आ जाएगा 49.5 डिग्री। तो इतना कम है यहाँ पर एंगल, तो इसी एंगल को बेयर ने नाम दिया एंगल स्ट्रेन। और बेयर के अकॉर्डिंग जिस भी साइक्लोएल्केन में ये एंगल स्ट्रेन जितना ज्यादा होगा उसकी स्टेबिलिटी जो है वो उतनी कम हो जाएगी। तो जब ये एंगल स्ट्रेन उसने कैलकुलेट किया, कुछ फॉर्मूलाज दिए गए थे एंगल स्ट्रेन को कैलकुलेट करने के लिए, यहाँ पर तो मैंने आपको सिंपल बता दिया कि बस जो भी नॉर्मल टेट्राहेड्रल एंगल होता है उसमें से हम माइनस कर देते हैं जो भी यहाँ पर एंगल बन के आ रहा होता है इनका। तो यहाँ पर 60 डिग्री एंगल है, तो इसलिए 109.5 डिग्री में से हमने 60 को माइनस किया, तो इसका एंगल स्ट्रेन हम यहाँ कह सकते हैं कि 49.5 डिग्री है। ऐसे ही साइक्लोब्यूटेन का निकाला उसने, यहाँ पर साइक्लोपेंटेन का निकाला। तो जब ये एंगल स्ट्रेन कैलकुलेट किया गया तो देखा गया कि सबसे कम एंगल स्ट्रेन था साइक्लोपेंटेन का। तो क्योंकि सबसे कम स्ट्रेन था साइक्लोपेंटेन का, इसलिए बेयर ने माना कि साइक्लोपेंटेन जो है वो सबसे ज्यादा स्टेबल है, इन दोनों के कंपैरिजन में वो ज्यादा स्टेबल है। और ऐसा पाया भी गया, एक्सपेरिमेंटली ये पाया भी गया कि वाकई में साइक्लोपेंटेन जो होती है साइक्लोप्रोपेन और साइक्लोब्यूटेन के कंपेरिजन में ज्यादा स्टेबल होती है। तो बेयर ने यह कहा कि जैसे जैसे कार्बन का नंबर बढ़ता चला जाए, मतलब कार्बन का नंबर बढ़ रहा है, तो फिर से हम एंगल स्ट्रेन जब कैलकुलेट करें, तो जब बेयर ने साइक्लोहेक्सेन के लिए या साइक्लोहेप्टेन या साइक्लोऑक्टेन के लिए जब कैलकुलेट किया तो एंगल स्ट्रेन फिर से इंक्रीज होना शुरू हो गया। यहाँ पर तो वो डिक्रीज हो रहा था, इसका सबसे ज़्यादा था, फिर कम था, इसमें सबसे कम था, लेकिन जब हम 5 मेंबर्ड रिंग से आगे बढ़े, यानी 6 मेंबर्ड रिंग पे, 7 मेंबर्ड पे, 8 मेंबर्ड पे, तो वहाँ पर क्या हुआ, एंगल स्ट्रेन फिर से इंक्रीज करना शुरू हुआ। तो अकॉर्डिंग टू बेयर साइक्लोहेक्सेन में क्योंकि एंगल स्ट्रेन ज्यादा हुआ तो इसलिए इसकी स्टेबिलिटी कम होनी चाहिए थी, और आगे जितने भी मेंबर्स थे उनकी भी स्टेबिलिटी उसी हिसाब से कम होनी चाहिए थी। लेकिन एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। साइक्लोहेक्सेन, या हम ये कह सकते हैं कि 5 मेंबर्ड रिंग से ज्यादा, यानी 6 मेंबर्ड हो या 6 से ज्यादा कार्बन अगर है, ये 6 कार्बन है, या 6 से ज्यादा हो, 7 हो, 8 हो, तो वो कार्बन वाली जो रिंग होती है वो ज्यादा स्टेबल होती है एक्चुअल में,
वो ज़्यादा स्टेबल पाई गई, और वो पाई गई तो इसका मतलब बेयर की जो बेयर स्ट्रेन थ्योरी थी वो यहाँ इनकी स्टेबिलिटी को, यानी जो हायर मेंबर्स रिंग थी, सिक्स मेंबर रिंग या उनसे ज़्यादा मेंबर वाली जो रिंग थी, उनकी स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करने में बेयर स्ट्रेन थ्योरी जो थी वो फेल हो गई। वो सिर्फ साइक्लोपेंटेन तक तो उसका रिजल्ट सही रहा, लेकिन उसके बाद उसके रिजल्ट्स जो हैं वो फेल हो गए। और वो फेल क्यों हुई? क्योंकि बेयर ने माना था कि जो भी ये रिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं ये सब एक प्लेन, ये जितने भी कार्बन हमने बनाए हैं वो सब एक प्लेन में हैं, यानी साइक्लोहेक्सेन जो एग्जिस्ट कर रही है वो एक प्लानर रिंग है। प्लानर रिंग का मतलब क्या होता है कि ये जो जितने भी हमने यहाँ कार्बन बनाए हैं वो सारे कार्बन एक ही प्लेन में हैं, इस तरीके से सबके, ये सिक्स मेंबर रिंग बनी तो ये सबके सब एक ही प्लेन में है। तो यहाँ पर इसकी स्टेबिलिटी को बेयर स्ट्रेन थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाई, सिक्स मेंबर्ड की और सिक्स से ज़्यादा मेंबर वाले रिंग की। तो अब इस जो इस स्ट्रेन एंगल स्ट्रेन इसने एक्सप्लेन किया था, उसके बाद जब इसके जो स्टेबिलिटी थी उसको एक्सप्लेन करने के लिए एक कंसेप्ट आया जिसको हम बोलते हैं शैशे एंड मोहर कंसेप्ट। इन्होंने जो थ्योरी दी वो दी थी स्ट्रेनलेस रिंग्स की। तो शैशे और मोहर ने जो एक्सप्लेनेशन दी उसने ये कहा कि ये रिंग भी स्ट्रेनलेस हो सकती है, यानी सिक्स मेंबर्ड और सिक्स से ज़्यादा मेंबर वाली रिंग भी स्ट्रेनलेस हो सकती हैं। और वो क्यों? क्योंकि इन्होंने ये माना कि शैशे और मोहर ने ये माना कि जो ये रिंग थी यानी सिक्स मेंबर, यानी हम साइक्लोहेक्सेन की अगर हम बात करें, साइक्लोहेक्सेन जो है वो प्लानर ना होकर पकर्ड होती है, पकर्ड रिंग होती है। और पकर्ड रिंग का क्या मतलब होता है? पकर्ड रिंग का मतलब होता है कि सारे कार्बन एक प्लेन में नहीं होते। और वो पकर्ड रिंग जिसे साइक्लोहेक्सेन का जो उसने स्ट्रक्चर बताया अकॉर्डिंग टू शैशे मोहर, वो कुछ इस तरह से बन के आया था, ये ऐसे, यानी ये सब कार्बन है, ये जो पॉइंट्स यहाँ पर हैं वो सारे कार्बन को शो कर रहे हैं। तो सब कार्बन जो हैं वो एक ही प्लेन में नहीं है, बल्कि सब कार्बन का प्लेन जो है डिफरेंट है। एक कार्बन अगर ऊपर दिखाया तो दूसरा कार्बन हमें नीचे दिखाना है, फिर ऊपर है, फिर नीचे है, फिर ऊपर है, फिर नीचे है। तो सारे कार्बन एक प्लेन में नहीं है, और अगर सारे कार्बन एक प्लेन में नहीं है तो इसका मतलब हर कार्बन का जो एंगल है, जब यहाँ पर एंगल देखा गया तो हर कार्बन का एंगल भी 109.5 डिग्री था, यानी हर कार्बन अपना टेट्राहेड्रल एंगल यहां पर शो कर रहा था। तो इसलिए जब, क्योंकि एंगल पूरा का पूरा यहां पर टेट्राहेड्रल एंगल मिल रहा है, तो इसका मतलब यहां पर कोई एंगल स्ट्रेन आएगा ही नहीं। तो जब एंगल स्ट्रेन नहीं आएगा तो ये स्ट्रेनलेस रिंग मानी जाएगी। तो इस तरह से ये इसकी स्टेबिलिटी को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि भाई सारे कार्बन जो बेयर ने कहा था कि सब प्लेन में होते हैं, यहां पर सारे कार्बन प्लेन में ना होकर पकर्ड स्ट्रक्चर होता है, रिंग का जो स्ट्रक्चर होता है वो पकर्ड होता है, और इसलिए सारे कार्बन का एंगल जो है वो 109.5 डिग्री है। तो यहाँ पर एंगल से कोई डेविएशन देखने को हमें नहीं मिलता, यानी एंगल कम या ज़्यादा हमें देखने को नहीं मिलेगा, जितना एंगल था उतना ही था, उतना ही मिल रहा है। तो इसका मतलब रिंग में कोई स्ट्रेन ही नहीं है, जब रिंग में कोई स्ट्रेन नहीं है तो इसका मतलब रिंग जो है वो स्टेबल है। तो शैशे मोहर ने साइक्लोहेक्सेन के केस में यहाँ पर दो कन्फर्मेशंस दिए। अब वो दो कन्फर्मेशंस अब हम स्टडी करेंगे कौन कौन से वो कन्फर्मेशन होते हैं। एक होता है चेयर कन्फर्मेशन और दूसरा होता है बोट कन्फर्मेशन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे चेयर कन्फर्मेशन की। चेयर कन्फर्मेशन में जैसे कि आप देख ही सकते हैं कि एक कार्बन यहाँ पर ऊपर बना, जैसे अगर हम नंबर वन से शुरू करें तो कार्बन नीचे है, फिर कार्बन ऊपर आया, फिर एक कार्बन नीचे आया, फिर ऊपर आया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर आया, तो इस तरह से एक पकर्ड रिंग बन जाती है। और हम इसको चेयर क्यों बोल रहे हैं? चेयर का मतलब देखिए, अगर आप नॉर्मल चेयर की बात करें, नॉर्मल चेयर जिस पे कि हम बैठते हैं, उसमें क्या होता है, कुछ इस शेप की हो जाती है वो। ये क्या हो जाती है? ये लेग्स हो जाती हैं, यानी कि चेयर की जो पैर होते हैं वो ये हो जाते हैं। ये क्या होता है? जो हमारा बैठने की जगह होती है। और ये क्या चीज होती है? जहां पर हमारी कमर जो है वो रेस्ट करती है, इसलिए हम इसको जो बोलते हैं फुट रेस्ट बोलते हैं, और इसको हम बैक रेस्ट बोलते हैं। तो ये कुछ चेयर की फॉर्म में ही तो हुई। तो ये इसमें क्या, ये वाला पोर्शन, जिस आप अपने आप को इमेजिन कीजिए कि इस वाले पोर्शन पे हमने अपने पैर रखे हुए हैं, ये वाले पोर्शन पे हम बैठे हुए हैं, और ये वाले पोर्शन पे हमारी कमर टिकी हुई है। तो इस तरह से एक चेयर फॉर्म बन के आ रही है, तो इसीलिए उसी के नाम पर हमने इसको चेयर कन्फॉर्मेशन बोला है। और इसमें हमेशा हमें एक कार्बन ऊपर नीचे, जब इसको बनाना बताऊंगी तब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी हम इसको कैसे बना सकते हैं, और हर कार्बन से दो हाइड्रोजन जो है वो अटैच दिखा रखे हैं। और एक चीज और इसमें नोटिस करने वाली है कि जितने भी यहाँ पर कार्बन है, और कार्बन के जो सी एच बॉन्ड, ये सारे सी एच बॉन्ड्स हैं,
ये कार्बन है और ये सी एच बॉन्ड। तो जितने भी सी एच बॉन्ड हैं वो सारे के सारे स्टैगर्ड हैं, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। स्टैगर्ड मैंने आपको बताया, अब आप स्टैगर्ड और एक्लिप्स्ड फॉर्म मैं आपको बहुत बार एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, तो अगर आपने प्रीवियस वीडियोस देखे हैं तभी आप यहाँ वीडियो पे देखिएगा, वरना आपको समझ में कुछ नहीं आएगा। तो पहले आप प्रीवियस वीडियोस देख के आइएगा कि स्टैगर्ड और एक्लिप्स्ड फॉर्म होती क्या है। तो स्टैगर्ड में क्या मैंने आपको बताया था, सबसे अच्छी पहचान कि इसमें एक वाई सीधा बनता है और एक वाई उल्टा बनता है, दो वाई की फॉर्म में बनाते हैं हम इसको। देखिए जैसे यहाँ पर अगर हम इस कार्बन की बात करें तो एक ये वाला वाई हमारा सीधा वाई बन रहा है, और अगर हम इस कार्बन की बात करें तो यहाँ पर एक उल्टा वाई बन रहा है, फिर हम इस कार्बन की बात करें तो एक सीधा वाई बन के आ रहा है, ये कार्बन उल्टा वाई बना रहा है, फिर ये कार्बन सीधा वाई बना रहा है, और ये कार्बन फिर से उल्टा वाई बना रहा है। तो हर कार्बन स्टैगर्ड फॉर्म में यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब इसी चेयर कन्फॉर्मेशन को अगर हम न्यूमैन प्रोजेक्शन में दिखाना चाहें तो हम कैसे दिखा सकते हैं, तो न्यूमैन प्रोजेक्शन मैंने आपको बताया भी था, इसमें हम फ्रंट कार्बन को डॉट से दिखाते हैं और बैक कार्बन को हम राउंड सर्कल दिखा देते हैं। तो अगर हम इसकी न्यूमैन प्रोजेक्शन बनाएंगे तो अगर हम यहां देखें, वन कार्बन के ठीक पीछे टू कार्बन है, और ऐसे ही फाइव कार्बन के ठीक पीछे फोर कार्बन है। तो हमने क्या करा, वन कार्बन को फ्रंट कार्बन मान लिया और टू कार्बन को बैक कार्बन। तो वन कार्बन को हमने ये डॉट से दिखा दिया और बैक कार्बन जो हमारा टू नंबर कार्बन था उसको हमने सर्कल से दिखा दिया, तो ये वन नंबर लिखा है और यहां पर टू। ऐसे ही फाइव कार्बन को हमने फ्रंट कार्बन मान लिया और फोर कार्बन को हमने बैक कार्बन मान लिया, तो ये हमारा बैक कार्बन। अब हमें यहां पर बॉन्ड्स को शो करना, तो सबसे पहले हम वन नंबर की बात करेंगे। वन नंबर से अगर हम देखें तो वन नंबर से हमें दो हाइड्रोजन यहां पर दिखाई दे रहे हैं, और एक ये तीसरा बॉन्ड जो जा रहा है, तीसरा बॉन्ड किससे मिल रहा है, ये सिक्स कार्बन से मिल रहा है, और ये क्या फॉर्म बन रही है, ये एक सीधा वाई बन के आ रहा है। सीधे वाई में हम बिल्कुल वैसे ही बना देंगे जैसे यहां पर एच इधर की साइड जा रहा है, तो हमने एक एच यहां बना दिया, एक एच इसमें नीचे जा रहा है तो हमने एक एच नीचे बना दिया, फिर एक एच मतलब एक बॉन्ड जो है वो इस सिक्स नंबर कार्बन से मिल रहा है, तो हमने उस बॉन्ड को सिक्स नंबर कार्बन से मिला दिया, और सिक्स कार्बन पर क्योंकि दो हाइड्रोजन अटैच थे तो हमने इसको एच टू लिख दिया, यानी कि सी एच टू हो गया ये। तो इस तरह से हमने वन कार्बन की जो भी हाइड्रोजन थे जो बॉन्ड थे हमने वहां अटैच कर दिए। अब अगर हम आते हैं सेकंड नंबर कार्बन पे, यानी कि जो ये सर्कल से हमने दिखा रखा है, सर्कल पे एक हाइड्रोजन ऊपर की साइड दिखा रखा है, तो हमने बिल्कुल ऊपर की साइड बनाया, एक हाइड्रोजन इधर की साइड है तो हमने इधर शो कर दिया, और एक जो बॉन्ड है वो नीचे की साइड जा रहा है और तीन नंबर कार्बन से मिल रहा है, तो हमने उसे थ्री नंबर कार्बन से जोड़ दिया, और थ्री नंबर कार्बन जो है दो हाइड्रोजन अटैच्ड है उसमें, तो हमने सी एच टू लिख दिया। तो इस तरह से ये एक स्टैगर्ड फॉर्म आपको दिख रही है, ये सीधा वाई बन रहा है और पीछे वाले कार्बन पर हमारा उल्टा वाई बन के आ रहा है, तो ये स्टैगर्ड फॉर्म हमें यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रही है। फिर हम आगे बढ़ जाएंगे, हमने यहाँ बना लिया था अपना फाइव कार्बन और फोर नंबर का कार्बन। अब हम फाइव कार्बन का देखेंगे कि इस पर एक सीधा वाई बन रहा है, तो हमें भी यहाँ पर एक सीधा वाई बनाना है, और दो एच इस तरह से हमने यहाँ जोड़ दिए, और ये फाइव नंबर वाला कार्बन सिक्स नंबर वाले कार्बन से अटैच है, तो हमने इस फाइव वाले कार्बन को सिक्स नंबर वाले कार्बन से अटैच कर दिया, तो ये एक पूरा सीधा वाई बन गया। और फोर्थ कार्बन पर अगर हम देखें तो एक उल्टा वाई बन रहा है, जिसमें एक एच ऊपर की साइड है, तो हमने एक एच ऊपर की साइड बनाया, एक एच इधर है तो हमने एक एच इधर बनाया, और ये फोर नंबर वाला कार्बन थ्री नंबर वाले कार्बन से अटैच है, तो हमने इसे थ्री वाले कार्बन से अटैच कर दिया। तो आप देख रहे हैं ये कार्बन भी हमारा जो है वो स्टैगर्ड फॉर्म में है। तो यहाँ जितने भी कार्बन बनते हैं वो सारे के सारे ही स्टैगर्ड फॉर्म में बनते हैं। तो इस तरह से हम न्यूमैन प्रोजेक्शन ऑफ चेयर फॉर्म यहाँ पर शो कर सकते हैं। तो ये तो थी चेयर फॉर्म। अब दूसरी आती है बोट फॉर्म। बोट जैसे कि आपने नाव को देखा होगा, नाव जो होती है उसको हम इसी तरह से तो बनाते हैं, एक ये पूरा पोर्शन ऊपर की साइड है और ये पूरा पोर्शन ऊपर की साइड है, और ये टू थ्री और फाइव सिक्स वाले बॉन्ड्स जो होते हैं वो सब एक मतलब ये जो कार्बन है वो एक ही प्लेन में। तो यहां पर क्या होगा, वन कार्बन ऊपर है, टू कार्बन नीचे है, और थ्री कार्बन भी उसी प्लेन में है, टू और थ्री कार्बन सेम प्लेन में है, फिर फोर कार्बन ऊपर हो गया, फिर फाइव और सिक्स कार्बन भी सेम प्लेन में, यानी कि टू थ्री फाइव सिक्स वो सब एक प्लेन में इस तरह से आते हैं। यहाँ पर एक बन जाता है नाव की शेप, कैसे बनेगी, इसी तरह से तो बन के आएगी। हम अगर नाव बनाना चाहें तो हम इसी तरह से तो बनाते हैं, इसी ये फॉर्म हो गई। तो ये नाव की शेप में बनी होती है जिसमें ये पूरा फ्लैट होता है, यानी टू थ्री फाइव सिक्स तो इस तरह से बिल्कुल फ्लैट हो जाएंगे, और एक कार्बन ऐसे खड़ा होगा और ऐसे यहां पर भी एक कार्बन खड़ा हुआ होगा। तो उसी तरह से हमने यहां इसको दिखा दिया। अब ये हो गई हमारी बोट कन्फर्मेशन। अब इस बोट कन्फर्मेशन का फिर से हम अगर न्यूमैन प्रोजेक्शन बनाएं तो यहाँ पर क्या होता है, ये जो टू और थ्री कार्बन्स हैं इनमें जो सी एच बॉन्ड्स हैं वो सारे एक्लिप्स्ड फॉर्म में होंगे,
और जो 5 और 6 हैं इनमें भी जो जो सी एच बॉन्ड्स होंगे वो सारे एक्लिप्स फॉर्म में होंगे। और एक्लिप्स फॉर्म कैसे बनती है, तो हम दोनों के दोनों सीधे वाई बनाएंगे या दोनों हम उल्टे वाई बनाएंगे। जैसे यहाँ पर हम एक सीधा वाई बना रहे थे तो पीछे वाले कार्बन का उल्टा बना रहे थे, यहाँ पर आप चाहे तो दोनों को सीधा बनाइए चाहे दोनों को उल्टा बनाइए। अब हम देखते हैं इसको हम न्यूमन पोजिशन में कैसे बदल सकते हैं। तो आप यहाँ से अगर हम चेक करें, देखिए ये 2 नंबर कार्बन है और 2 नंबर और 3 नंबर दोनों एक दूसरे के आगे पीछे हैं। आप किसी को भी आगे और किसी को भी पीछे मान सकते हैं। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर शो किया है 3 नंबर कार्बन को मैंने फ्रंट कार्बन माना है, तो 2 नंबर कार्बन हमारा बैक कार्बन हो जाएगा। तो 3 नंबर फ्रंट कार्बन इसलिए डॉट से दिखा दिया और बैक कार्बन 2 है इसलिए हमने उसे राउंड से दिखा दिया। तो जब हमने 3 को फ्रंट कार्बन माना है तो इसीलिए हम 5 को भी फ्रंट कार्बन मानेंगे और 6 को हम बैक कार्बन मानेंगे। तो हमने 5 को फ्रंट कार्बन मान के डॉट बना दिया और 6 को बैक कार्बन मान के राउंड बना दिया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें जो हमारा 3 कार्बन था, क्योंकि सी एच बॉन्ड हमारे सारे एक्लिप्सिंग बनने हैं वहाँ पर एक्लिप्स, तो 3 कार्बन से अगर आप देखें, देखिए एक हाइड्रोजन ये जा रहा है और एक हाइड्रोजन हमने नीचे बनाया, यानी कि 2 तो हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। एक हमारा 2 और 3 के बीच का बॉन्ड है ही जो हम यहाँ पर शो नहीं करते हैं 2 और 3 के बीच में, और एक अगर आप देखें 3 कार्बन जो है वो 4th नंबर कार्बन से भी जुड़ा हुआ है जिसमें हमारा CH2 ग्रुप अटैच्ड है। तो हमें क्या करना है, इस 3 कार्बन से हमें 2 तो हाइड्रोजन बनाने हैं और एक CH2 ग्रुप बनाना है। तो हमने क्या करा, ये एक हाइड्रोजन बना दिया, एक हाइड्रोजन यहाँ बना दिया और एक CH2 ग्रुप, और वो कौन सा कार्बन होगा, वो 4th नंबर वाला कार्बन हो गया। तो हमने यहाँ 4th पर CH2 बनाकर छोड़ दिया। अब हम देखें 2 कार्बन, 2 कार्बन पर भी एक हाइड्रोजन ऊपर है एक हाइड्रोजन नीचे है और इससे एक 1 कार्बन जुड़ा हुआ है जो एक CH2 ग्रुप है। तो यानी कि हमें 2 हाइड्रोजन बनाने हैं और एक CH2 ग्रुप बनाना है। और क्योंकि 2 और 3 एक्लिप्सिंग स्टेट में है, तो हम क्या करेंगे, जो हाइड्रोजन बनाएंगे वो एक्लिप्स स्टेट में ही बनाएंगे। अगर हम पहले सीधा वाई बना रहे थे तो पीछे वाले कार्बन पर भी हमारा सीधा वाई बनेगा, या हम ये कह सकते हैं इसी CH बॉन्ड के पीछे, ठीक पीछे दूसरा CH बॉन्ड बनेगा। तो इस 2 कार्बन से जो 2 हाइड्रोजन अटैच थे उसको हमने इसी तरह से दिखा देना है, एच के ठीक पीछे एच, इस एच के ठीक पीछे एच, और 3 कार्बन जो है जो 2 कार्बन है वो हमारा क्योंकि 1 नंबर कार्बन से अटैच है, तो हम, और वो 1 नंबर कार्बन CH2 है, तो हमने इस 1 नंबर कार्बन को यहाँ CH2 लिख दिया और इस पर 1 नंबर डाल दिया। तो ये हमारे दोनों कार्बन एक्लिप्स्ड स्टेट में बन गए। अब हम आते हैं 5 और 6 में। तो 5 कार्बन क्योंकि हमारा फ्रंट कार्बन है, फिर से हम इसे देखेंगे, इस पे भी 2 हाइड्रोजन अटैच है और 5 नंबर कार्बन भी 4 नंबर कार्बन से अटैच है। तो हमें 3 बॉन्ड बनाने पड़ेंगे और तीनों बॉन्ड हम अगर सीधा वाई की फॉर्म में बना रहे हैं तो हमने 2 H दिखा दिए, एक H इधर एक H इधर, और 5 नंबर कार्बन क्योंकि 4th नंबर कार्बन से अटैच है और 4 तो हम पहले से ही बना चुके थे, तो इसी 4th से हमें इसको अटैच कर देना है। तो ये हमने यहाँ पर CH2 अटैच कर दिया। अब हमारे बैक कार्बन पे, बैक कार्बन पर भी 2 हाइड्रोजन अटैच है और 6 नंबर वाला कार्बन 1 नंबर वाले कार्बन से अटैच है। तो हमने 6 कार्बन को में जो हाइड्रोजन दिखाने हैं क्योंकि वो एक्लिप्सिंग स्टेट में है, तो हम उसे CH बॉन्ड के जो 5 कार्बन का CH बॉन्ड था, तो 6 कार्बन का CH बॉन्ड भी ठीक पीछे ही बनेगा, क्योंकि पहला कार्बन अगर हम सीधा बना रहे हैं तो पीछे वाले को भी हमें सीधा ही बनाना है, तो ठीक पीछे ही आएगा। तो एक एच इसके ठीक पीछे चला जाएगा, ये वाला एच भी ठीक पीछे चला जाएगा, और 6 नंबर वाला कार्बन क्योंकि 1 नंबर वाले कार्बन से अटैच है, तो हमने इसे 1 से अटैच कर दिया। तो इस तरह से CH2 ग्रुप। तो आप देख रहे हैं यहां पर 2 वाई सीधे बन के आ रहे हैं और यहां पर भी 2 वाई सीधे बन के आ रहे हैं। तो हर कार्बन से मतलब है 2, 3 और 5, 6 कार्बन जो होते हैं, यानी 2 और 3 कार्बन एक्लिप्सिंग स्टेट में होंगे और 5 और 6 कार्बन भी एक्लिप्सिंग स्टेट में होंगे। तो इस तरह से हम न्यूमेन प्रोजेक्शन भी बना सकते हैं। तो देखिए ये वीडियो जो है बीएससी और एमएससी दोनों के लिए है। तो अगर एग्जाम में आता है तो बीएससी वाले स्टूडेंट्स अगर न्यूमेन प्रोजेक्शन नहीं भी बनाएंगे तो भी चलेगा, आप खाली ये चेयर कन्फर्मेशन और बोर्ड कन्फर्मेशन बना के छोड़ दीजिए, और अगर आपको ये समझ में आ गया तो आप ये बना सकते हैं। और लेकिन अगर एमएससी के स्टूडेंट हैं तो आपको ये चारों मतलब न्यूमेन प्रोजेक्शन भी यहाँ पर दिखाना चाहिए एग्जाम में, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अच्छा, अब हम बात करेंगे, तो ये तो हम किस तरह से बनाया ये हम यहाँ पर शो कर दिया। अब अगर हम देखें चेयर कन्फॉर्मेशन और बोट कन्फॉर्मेशन में से ज़्यादा स्टेबल फॉर्म कौन सी है, तो यहाँ पर तो सारे कार्बन क्योंकि हम सारे CH बॉन्ड स्टैगर्ड फॉर्म में हैं, तो मैंने आपको बताया भी था जहाँ पर भी स्टैगर्ड कन्फॉर्मेशन होगा वो ज़्यादा स्टेबल होता है इन कंपैरिजन टू एक्लिप्स्ड। और ये रीज़न मैंने आपको इथेन में एक्सप्लेन भी किया था, क्योंकि
एक्लिप्सिंग में क्या होता है, एक्लिप्सिंग स्ट्रेन आता है, वहां पर टॉर्जनल स्ट्रेन आता है, क्योंकि सीएच बॉन्ड के ठीक पीछे ही सीएच बॉन्ड है। तो यहां पर जैसे कि बोट कन्फॉर्मेशन में देख सकते हैं, क्योंकि यहां पर जो ये चार कार्बन है, ये दोनों कार्बन एक्लिप्सिंग है और ये दोनों कार्बन एक्लिप्सिंग है, देख भी रहे हैं आप, सीएच बॉन्ड के ठीक पीछे ही सीएच बॉन्ड आ रहा है, तो यहां पर एक एक्लिप्सिंग स्ट्रेन है, यानी हम कह सकते हैं टॉर्जनल स्ट्रेन जिसको हम बोलते हैं। तो इस बोट कन्फॉर्मेशन में एक तो आया हमारा टॉर्जनल स्ट्रेन, और दूसरा क्या है, आप देख रहे हैं बोट फॉर्म में जो वन और फोर कार्बन है, इसके जो हाइड्रोजन है, ये वाले अगर हम हाइड्रोजन की बात करें, ये इनको हम बोलते हैं फ्लैग पोल हाइड्रोजन, वर्ड हम यूज करेंगे फ्लैग पोल हाइड्रोजन। फ्लैग पोल जैसे कि बोट में अगर आपने कभी नोटिस किया हो, जो नाव नदियों में बहती हैं, वहां पर कई बार क्या होता है, एक झंडा लगा लिया जाता है कॉर्नर में बिल्कुल, तो उसको हम फ्लैग पोल बोलते हैं। तो इसीलिए हम इसलिए वर्ड हम यूज कर रहे हैं फ्लैग पोल हाइड्रोजन, क्योंकि ये ऊपर की साइड यहां पर एच लगे हुए हैं। तो फ्लैग पोल हाइड्रोजन जो है, अगर आप देखें यहां पर वन और फोर कार्बन की, ये दोनों हाइड्रोजन जो है एक दूसरे के ठीक सामने आ रही है, मतलब एक दूसरे को अप्रोच करती हुई दिखाई दे रही है, ये एच इधर की इसकी साइड आ रहा है और ये एच इसकी साइड आ रहा है। तो यहां पर क्या होता है, एक जो स्टेरिक स्ट्रेन यहां पर डेवलप हो जाता है। तो जब ये स्टेरिक स्ट्रेन डेवलप हो जाएगा, तो उसकी वजह से एक दूसरा स्ट्रेन हम जिसको हम वंडरवॉल स्ट्रेन भी बोल देते हैं, जो वंडरवॉल रेडियाई की वजह से डेवलप होता है। तो यहां पर हमारे पास दो स्ट्रेन आते हैं, एक तो आता है टॉर्जनल स्ट्रेन और दूसरा आता है इन फ्लैगपोल हाइड्रोजन की वजह से जो स्टेरिक स्ट्रेन डेवलप हुआ है। तो जब इसमें दो टाइप के स्ट्रेन डेवलप हुए हैं, और जहां पर भी मैंने आपको पहले ही बताया था, जितना ज्यादा स्ट्रेन होगा मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी उतनी कम हो जाती है। तो इसलिए बोट कन्फॉर्मेशन जो होती है चेयर कन्फॉर्मेशन के कंपेरिजन में लेस स्टेबल होती है। क्यों? क्योंकि यहां पर दो टाइप के हमें स्ट्रेन देखने को मिल रहे हैं। तो ये तो थे कन्फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन। अब चेयर और बोट कन्फॉर्मेशन के अलावा भी कुछ और हम कन्फॉर्मेशन को डिस्कस कर लेते हैं, जो कि साइक्लोहेक्सेन के ही माने जाते हैं। देखिए जैसे बोट कन्फॉर्मेशन है, बोट कन्फॉर्मेशन ट्विस्ट बोट कन्फॉर्मेशन में भी चेंज हो सकती है। कैसे? ये हमारी सिंपल बोट कन्फॉर्मेशन थी, अगर हम ऐसा कर दें, इसको हम ट्विस्ट कर दें, मान ट्विस्ट करने का मतलब है फाइव कार्बन को तो हम ऊपर ले गए, बस फाइव कार्बन को खींच के हम ऐसे उठाया और हम ऐसे ऊपर की साइड ले गए, तो फाइव कार्बन जब ऊपर आएगा तो थ्री कार्बन ऑब्वियस ही बात है वो नीचे आ जाएगा, टू और सिक्स अपनी जगह पर है, सिर्फ फाइव हमने ट्विस्ट कर दिया, बस हल्का सा इसको ऐसे, ये हमारी सिंपल बोट थी और हमने ऐसे ट्विस्ट कर दिया। तो देख लीजिए जैसे ये मैं बता रही हूं, अगर ये थ्री कार्बन है और ये फोर कार्बन है, थ्री कार्बन है और ये फाइव कार्बन है, और अगर मैं ट्विस्ट कर रही हूं, तो ट्विस्ट करने में क्या हो रहा है, फाइव कार्बन ऊपर जा रहा है और थ्री कार्बन जो है वो नीचे आ रहा है, तो ऐसे ही हमने इसको ट्विस्ट किया है। तो ट्विस्ट करने से क्या होगा, फाइव कार्बन ऊपर गया और थ्री कार्बन नीचे, और इससे क्या होता है, जैसे ही हम इसको ट्विस्ट करते हैं, तो यहां पर जो वो एक्लिप्सिंग स्ट्रेन आ रहा था, यानी कि जो टॉर्जनल स्ट्रेन आ रहा था, वो थोड़ा सा मिनिमाइज हो जाता है, और जो ये फ्लैग पोल हाइड्रोजन की वजह से जो दोनों हाइड्रोजन एक दूसरे की तरफ आ रहे थे, ये भी थोड़ा सा एक दूसरे से दूर दूर हो जाते हैं, तो स्टेरिक स्ट्रेन भी थोड़ा सा मिनिमाइज हो जाता है। तो यहां पर स्ट्रेन इसके कंपैरिजन में, क्योंकि थोड़ा सा मिनिमाइज हो गया है, इसलिए ट्विस्ट बोट कन्फॉर्मेशन जो होती है बोट कन्फॉर्मेशन के कंपैरिजन में ज्यादा स्टेबल होती है। और इसी ट्विस्ट बोट कन्फॉर्मेशन को हम इस तरह से भी दिखा सकते हैं, ये दिखाने का सिर्फ एक तरीका है, चाहे आप इस तरीके से दिखाइए चाहे आप इस तरीके से दिखाइए। अच्छा, ऐसे ही चेयर कन्फॉर्मेशन जो होती है उसको हम हाफ चेयर में भी दिखा सकते हैं। देखिए चेयर कन्फॉर्मेशन में क्या हुआ, चेयर कन्फॉर्मेशन को मैंने आपको इस तरह से दिखाया था, ये पैर वाला हिस्सा हो गया, ये हमारा बैठने वाला हिस्सा हो गया, और ये हमारा कमर वाला हिस्सा हो गया जहां हम कमर को टिकाते हैं। अब अगर हम क्या करें, इन पैरों को खींच के आगे की साइड ले जाएं, तो ये इस तरह से लंबाई में हो जाएंगी, वही हमने यहां पर किया हुआ है। तो जो ये थ्री फोर फाइव, मतलब जो फोर वाला पोर्शन था पहले, वो नीचे की साइड था, हम जब इसको बना रहे हैं, देखो इस तरह से हमने इसको ऐसे शो किया था, तो जब ये नीचे वाला जो हिस्सा था, जो नीचे वाला पोर्शन, इसको हमने खींच के सामने ले गए हैं बस इसके, तो जो ये नीचे की साइड कार्बन था, बस हम इसको उठाया और सामने की साइड रख दे, जैसे कि हम चेयर के पैर उठा के ऊपर की साइड रख दे, या आप अपने आप को इमेजिन कर लीजिए कि हम जैसे चेयर पे बैठे हुए हैं, और अगर हम अपने पैर सीधा कर लें बिल्कुल, तो वो क्या हो जाएंगे, कुछ इस तरीके से हो जाएंगे, बस हम
कमर टिकी हुई रह जाएगी और पैर हमारे बिल्कुल सीधे हो जाएंगे। तो बिल्कुल इसी सिचुएशन में हम हाफ चेयर कन्फॉर्मेशन को समझ सकते हैं। तो जो फोर्थ नंबर कार्बन हम नीचे दिखा रहे थे, वो फोर्थ नंबर कार्बन बिल्कुल हमारे सामने आ जाएगा। तो इस तरह से हाफ चेयर कन्फॉर्मेशन भी एक कन्फॉर्मेशन होता है चेयर फॉर्म का ही, और इसको हम इस तरह से भी शो कर सकते हैं। तो ये सिर्फ शो करने के तरीके, तो मेन कन्फॉर्मेशन है वो चेयर और बोट कन्फॉर्मेशन ही है। लेकिन जब हम एक चेयर फॉर्म को दूसरी चेयर फॉर्म में चेंज करते हैं तो हमें ये सारे कन्फॉर्मेशन वहां देखने को मिलते हैं। तो अब हम बात करेंगे जो ये जितने भी कन्फॉर्मेशन हैं इनकी स्टेबिलिटी के बारे में अगर हम बात करें तो वो एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम से हम इसको समझ सकते हैं। देखिए ये एक चेयर फॉर्म है, चेयर फॉर्म की एनर्जी सबसे कम है। ये हम एनर्जी दिखा रहे हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो आप देख रहे हैं जो ये मैंने ब्लू लाइन से दिखाया हुआ है, ये चेयर फॉर्म की एनर्जी है। चेयर फॉर्म की एनर्जी सबसे कम होती है। अगर हम एक चेयर फॉर्म को दूसरी चेयर फॉर्म में चेंज करें, ये भी एक चेयर फॉर्म है, तो अगर हम एक चेयर फॉर्म को दूसरी चेयर फॉर्म में चेंज करें तो हमें डिफरेंट टाइप ऑफ कन्फॉर्मेशन यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो क्या होगा, चेयर फॉर्म को अगर हम इसमें चेंज कर रहे हैं दूसरी चेयर फॉर्म में, तो सबसे पहले ये चेयर फॉर्म चेंज होती है हाफ चेयर में, और हाफ चेयर की एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है। ये जो ब्लू लाइन शो कर रखी है ये हाफ चेयर की एनर्जी है। तो चेयर फॉर्म सबसे पहले चेंज होती है हाफ चेयर में, हाफ चेयर फिर चेंज होती है ट्विस्ट बोट में। ये एनर्जी है ट्विस्ट बोट की, ये ट्विस्ट बोट में चेंज हो गई। ट्विस्ट बोट फिर चेंज होती है बोट फॉर्म में, ये चेंज एनर्जी है बोट फॉर्म की। बोट फॉर्म फिर चेंज होती है ट्विस्ट बोट में, और ट्विस्ट बोट फिर चेंज होगी हाफ चेयर में, और हाफ चेयर फाइनली चेंज हो जाएगी अनदर चेयर फॉर्म में। तो जब हम एक चेयर फॉर्म को दूसरी चेयर फॉर्म में चेंज करते हैं तो हमेशा इतने सारे कन्फॉर्मेशन से हमें गुजरना पड़ता है, और ये सब उसके एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम की हेल्प से हम समझ सकते हैं कि किसकी एनर्जी ज़्यादा है। अब देखिए चेयर और बोट में मैंने आपको बताया था बोट फॉर्म की एनर्जी ज़्यादा होती है क्योंकि यहाँ पर स्ट्रेन ज़्यादा है। बोट फॉर्म और ट्विस्ट बोट फॉर्म में ट्विस्ट बोट की एनर्जी कम होगी और बोट की ज़्यादा होगी क्योंकि यहाँ पर स्ट्रेन थोड़ा सा रिलीज हो गया है, और हाफ चेयर की एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है। तो इस तरह से हम इसके एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम के बेसिस पर अगर हम एनर्जी ऑर्डर दिखाएंगे तो हाफ चेयर की सबसे ज़्यादा, फिर बोट की, फिर ट्विस्ट बोट की, और फिर चेयर की, और स्टेबिलिटी ऑर्डर ठीक इसका उल्टा हो जाता है। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर में क्या होगा, चेयर फॉर्म सबसे ज़्यादा स्टेबल होगी, फिर ट्विस्ट बोट होगी, फिर बोट होगी, और फिर हाफ चेयर। तो हाफ चेयर सबसे जो होती है लेस स्टेबल मानी जाती है, और चेयर फॉर्म जो होती है वो हाईली स्टेबल मानी जाती है। तो इस तरह से हम डिफरेंट एनर्जी फॉर्म्स भी इसकी देख सकते हैं और डिफरेंट कन्फॉर्मेशन हम यहाँ पर एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये था हमारा कन्फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन। तो यहाँ पर ये कन्फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन ख़त्म होता है। अब हम इसको थोड़ा और डिटेल में स्टडी करेंगे कि हम चेयर फॉर्म को बना कैसे सकते हैं। जो इसमें हम दो हाइड्रोजन्स दिखा रखे हैं कि क्या वो दोनों हाइड्रोजन सेम है या दोनों हाइड्रोजन डिफरेंट हैं, तो ये सब कुछ हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।